हाय फ्रेंड्स, मैं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा इस साल के 10 ऐसे गानों के बारे में जिसने आप सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया, यानी कि नाचने पर मजबूर कर दिया और साथ ही साथ कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। 10 गानों के बारे में बात करूंगा। मेरे वन ऑफ द व्यूवर्स है जो मुझे देखते, मैं दोस्त कहता हूँ मैं हमेशा उसे, सिड भाई उनका नाम है, सिद्धेश। तो सिद्धेश ने कहा कि भाई आप वीडियो बनाओ यार, 2016 खत्म हो रहा है और टॉप 5 गाने के जो आपके बेस्ट है, प्लीज एक ऐसा वीडियो बनाओ। उन्होंने 2-3 मरतबा कहा, मुझे वक्त मिला है आपके लिए भाई। अभी तो भाई 5 नहीं 10 गानों के बारे में बात की जाएगी। थोड़ा तो रिसर्च वो किया है और उसमें से मुझे जो गाने मुझे मेरे हिसाब से अच्छे लगे वो आपको बताऊंगा, और साथ ही जो पॉपुलर काफी ज्यादा हुए और जो सभी को अच्छे लगे उस सबका एक कंपेरिजन करके मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो आपको बता देना चाहता हूँ। पहला गाना मेरे पास लिस्ट है तो मतलब सीधी सी बात है देख के बताऊंगा ताकि गड़बड़ ना हो। तो पहला गाना तो मुझे याद ही है, काला चश्मा। काला चश्मा बादशाह ने गाया था बार बार देखो मैं, और कहीं ना कहीं उसका ट्यून इतना बढ़िया था, ओ काला चश्मा जच दावे जच दह गोरे मुखड़े पे। जो म्यूजिक था, जो बीट था, जो गाना था, कैटरीना कैफ माँ कसम कमाल लग रही थी। और साथ ही साथ सिद के साथ, यानी कि जो जोड़ी उनकी थी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, बहुत ही बढ़िया लग रही थी। ये गाना बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ, तो मतलब बहुत ही ज्यादा, फिल्म उतनी नहीं चली पर ये जो गाना चला वो एकदम अलग ही लेवल पे चला, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया। और कहीं ना कहीं ये वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग मेरे हिसाब से भी अच्छा लगा, क्योंकि किसी सॉन्ग का रिमिक्स वर्जन था और ओरिजिनल सॉन्ग तो इससे भी ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये वर्जन बादशाह ने जो गाया था बहुत बढ़िया था। दूसरे सॉन्ग के बारे में अभी मैं बात करता हूँ, उड़ता पंजाब का सॉन्ग है एक कुड़ी, पंजाबी फ्लेवर वाला सॉन्ग था। बट ये सॉन्ग मैंने जब फिल्म देखा था, मैंने गाना सुना, कौन से भी लैंग्वेज से गाना हो अगर उसका मीनिंग सही है और उसे बहुत प्यार से गाया जा रहा है, दिल से लिखा है, दिल से गाया जाए तो बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है। सेम ये गाना मुझे लगा, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है गुम है गुम है, बहुत प्यार से गाया है इस गाने को अमित त्रिवेदी ने। और साथ ही एक अलग ही वर्जन इसका रिलीज हुआ था जहाँ पे इस गाने को गाया था दिलजीत दोसांझ ने और आलिया भट्ट ने। बहुत प्यारा गाना है, बहुत सोचने पे मजबूर करेगा गाना, आपको बहुत प्यारा लगेगा ये आप मान के चलिए। सॉफ्ट सा सॉन्ग है, बहुत अच्छा है। लेकिन तीसरे गाने की बात करता हूँ, ऐ दिल है मुश्किल का, ओ चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना। ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, एक इमोशन सा रोने वाला। ये फिल्म देख के तो भाई मैं रोया हूँ, आपने नहीं रोया तो भाई आपने किसी से प्यार नहीं किया, समझ जाइए। बहुत अच्छा गाना था। इस फिल्म के सभी गाने अच्छे हैं, मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, बट ये चन्ना मेरिया वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग मुझे लगा, और बढ़िया सा गाना था, अरिजीत सिंह ने गाया था चन्ना मेरिया, और बहुत बढ़िया गाना ये था। चौथा गाने के बारे में बात करते हैं, एयरलिफ्ट का गाना है, 2016 की शुरुआत हुई थी फिल्म की, और एक गाना का लिरिक्स है, सोच ना सके, और तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है कि तुझ पे ही सांसें आके रुकी, मैं तुझे कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके सोच ना सके। बहुत प्यारा गाना है, निमरत कौर अक्षय कुमार बहुत प्यार से फिल्माया गया गाना है और मुझे अच्छा लगा था, आपको भी अच्छा लगा होगा। ये सॉफ्ट सॉन्ग है, आप देख रहे हो मेरा थोड़ा सा पैपी सॉन्ग से चालू हुआ काला चश्मा, और थोड़ा थोड़ा इमोशनल होते जा रहा हूँ मैं, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा इमोशनल मेरा जो टेस्ट है होता जा रहा है। आई होप टेस्ट चेंज होता रहे, अब टेस्ट चेंज होगा 5वें गाने से, क्योंकि 5वां गाना आपको झूमने पर मजबूर करने वाला है, वापस से एक जोश भर देगा। और ये गाना शिवाय फिल्म का है तो आप समझ सकते हो इस गाने का, ये आपने गाना सुना होगा, ओ बोलो हर हर हर, बादशाह ने गाया था ये गाना। ये गाना सुन के अगर आपको एनर्जी नहीं आ गया, आपके गूज़बम्स नहीं निकले एकदम, फिर नाम बदल देना भाई, इतना बढ़िया गाना था। इसका ट्रेलर, इसका गाना आज भी दिमाग में है, हमेशा दिमाग में रहेगा, क्योंकि अजय देवगन का भाई, अजय देवगन ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। जा कर दे नाश, जा कर दे नाश, जा कर विनाश, जा कर दे नाश, बोलो हर हर हर, एक एक जो फ्लो में अगर गाना याद करके गाया जाए तो अपने आप में खुद एक एनर्जी अपनी आ जाएगी, इतना बढ़िया से गाना गाया था बादशाह ने और इस पर फिल्माया गया था।
अजय देवगन पे, उसका म्यूजिक दिया था मिथुन ने। मिथुन को सैल्यूट करता हूँ भाई, बहुत सही म्यूजिक था। ये 5 गाने तो हो गए, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा पार्टी नंबर, थोड़ा सा एग्रेसिव वाला। अब 6 नंबर पे जो गाना भाई, सलमान का गाना है, वो भी सुल्तान का, पूछो तो जाने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, जग घूमिया सलमान तेरे जैसा ना कोई। जग घूमिया गाना, उनका जो स्टेप था, डांसिंग स्टेप, जो गाना था सोलफुल था, अच्छा था। अनुष्का शर्मा फिल्म में थी, बहुत बढ़िया फिल्म, कमाल करी, आपको पता है 300 करोड़ के ऊपर का ऐसा कलेक्शन था। तो जग घूमिया गाना मुझे बहुत पसंद आया। और इस गाना को आखिर गाया किसने था भाई? राहत फतेह अली खान ने गाया था, जो बहुत प्यारे प्यारे गाने गा चुके। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, बॉडीगार्ड में उन्होंने गाना गाया था और दिल छू लिया था। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया गाना गाए हैं उन्होंने रिसेंटली। आई थिंक आफरीन आफरीन एक कोक स्टूडियो के लिए उन्होंने गाना गाया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आई थिंक हाँ, राहत फतेह अली खान ने गाया था, बहुत प्यारा गाना था। और मैं अब गाने की बात करूंगा, 7वें नंबर पे जो रुस्तम फिल्म का है, जो मेरे को भी गाना याद था, और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, ये गाना था। मुझे पूरा आखिर का लिरिक्स याद नहीं आ रहा, बट अच्छा गाना था, रुस्तम फिल्म का गाना। रुस्तम बहुत बढ़िया फिल्म थी, अक्षय कुमार की तीसरी फिल्म थी, दूसरी तो आपको पता ही है हाउसफुल 3 थी, और तीसरी ये फिल्म थी। तीनों फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। रुस्तम अपने आप में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके बनाई गई थी, बहुत ही बढ़िया तरह से इसका पिक्चराइजेशन किया गया था, और हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये फिल्म उस दौरान के सेट की, मतलब बहुत अच्छे सेट वगैरह सब था। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये थी कि डायलॉग्स बहुत बढ़िया था। और ये मैंने आपको गाना बता दिया 7वां। अब जो 8वां गाना है वो आपको बेफिक्रे फिल्म का नजर आएगा। ये गाना है, ओ नशे सी चढ़ गई है कुड़ी, नशे सी चढ़ गई पतंग से लड़ गई, कुछ इस तरह से गाना है। एक अलग ही जोन में जाता है, मतलब ऐसे लहरें जैसे बहती हुई जाती है ना, जैसे पानी बहता है, उसे उसी तरह से सिर्फ गाने बहता हुआ जा रहा है। बहुत अच्छा गाना है, और अभी भी ये बज रहा है, और आई थिंक आज तो आखिरी दिन है, तो 2016 का आज तो बहुत ज्यादा बजेगा। ये गाना गाया था, अगर मैं गलत नहीं तो आतिफ असलम ने गाया था ये गाना, और बहुत अच्छा गाना था ये। और एक गाना मैं बात करूंगा धोनी, MS धोनी की फिल्म से, ये दिशा पाटनी गाती है, बहुत छोटा सा रोल था दिशा पाटनी का इस फिल्म में, बट उस छोटे से रोल में भी उन्होंने बहुत कमाल किया था। इस गाने का नाम है, कौन तुझे इतना प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। बहुत एक धुन था, सॉफ्ट मोशन के साथ था, और एक फील गुड फैक्टर था गाने में, और खुशी थी गाने में, और ये अच्छा गाना था। इसे आई थिंक गाया था, आई थिंक जीत अर्पित सिंह आई थिंक, सॉरी अरिजीत, सॉरी अरिजीत सिंह ने गाया था, और अच्छा गाना था, और MS धोनी का बहुत बढ़िया गाना था। एक फीमेल वॉइस भी थी, मैंने शायद लिखा नहीं है, तो कौन तुझे सॉन्ग बहुत अच्छा सॉन्ग था, और फिल्म भी बहुत बढ़िया चली थी। सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर थी, लेकिन अब थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसर हो गए क्योंकि दंगल ने इसे बीट कर दिया। अरे दंगल ने बीट कर दिया, दंगल ही 10 लिस्ट पे है, यानी कि 10वें नंबर पे दंगल ही फिल्म का सॉन्ग है। धाकड़ है धाकड़ है धाकड़ है धाकड़ है, रफ्तार ने गाया धाकड़ सॉन्ग, उसके बाद आमिर खान ने अपना वर्जन भी गाया था, और दोनों रिलीज हुए थे। आमिर खान का वर्जन जो धाकड़ सॉन्ग का था वो फिल्म के एंड में आता है, और आमिर खान भी बहुत सही जच रहे, और रफ्तार ने बहुत अच्छा लय पकड़ा है। इस फिल्म में गाने कम थे दंगल में, लेकिन ये धाकड़ सॉन्ग बहुत बढ़िया चला, और अभी तक ये चल ही रहा है, और दंगल भी अभी तक कलेक्शंस के मामले में भाई चल ही रही है। तो ये मेरे 10 सॉन्ग्स थे, जिसमें कुछ पैपी नंबर्स थे, कुछ रोमांटिक नंबर्स, कुछ इमोशनल नंबर थे। तो ये मेरी लिस्ट थी 10 गानों की। सिड भाई शुक्रिया, आई होप आपको पसंद आया होगा गाना, और सभी को पसंद आया होगा। लिस्ट मेरी मेरी आवाज पता है नहीं अच्छी है, बट कोशिश की मैंने यार, फील गुड करके तो गाना पड़ेगा, वरना आप भी कहाँ देखोगे, वीडियो बोलोगे यार यार ये तो, एक तो आवाज सही नहीं है, ऊपर से ये गा रहा है यार, तो बोल कर रहा है बंदा। लेकिन कोशिश की मैंने इस वीडियो को करने के लिए सिड भाई के लिए। भाई ऑफ कोर्स आप लोगों की हर एक जो दोस्तों मेरे, आप हर एक कुछ जो मुझे कहते हो, मैं कोशिश करता हूँ उसे इम्प्रूव करने की, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो करूँगा तो यार मेरी दोस्ती का क्या मतलब। मैं अगर दोस्त कहता हूँ आपको, मेरी फैमिली कहता हूँ, तो आपके हर एक
सजेशंस मेरे लिए इम्पोर्टेंट, कभी कभी पूरे नहीं हो पाते भाई, माफ कर दिया करिए, बट कोशिश करता हूँ हर चीज़ों को पूरा करो। और इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताऊँ, जब भी आपके मैं चीज़ों को सजेशंस को पूरा करके वीडियो बनाता हूँ, वो वीडियो बहुत ज़्यादा चलता है, तो मेरा भी अपना फ़ायदा है इन द एंड, बट कहीं ना कहीं फ़ायदा मैं नहीं ढूंढता हूँ किसी चीज़ में। आप खुश हो मेरी बातों से, मैं आपकी बातों से खुश हूँ, मेरे लिए उतनी बड़ी बात है, बाकी चीज़ें कुछ नहीं। कुछ और बॉलीवुड खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें पता चली तो आपको इसी तरह बताते रहूँगा। चलिए तब तक के लिए, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, बाय बाय।